जो आज मौजूदा हुक्मरान हैं इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, इन्हें भी लंदन भाग जाना है। ये तो मेरा शुरुआत है, अभी मैंने बहुत लंबा इनिंग्स खेलना है। साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले इस कठपुतली को भगाना पड़ेगा, ये धांधली सदा वजीर आजम को निकालना पड़ेगा। अगर सदर जरदारी सीपैक चाइना से वापस नहीं ले आया जाता तो ये मेट्रो ट्रेन इधर नहीं खड़ा होता। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में सियासी पावर शो, बिलावल भुट्टो का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। नासिर बाग में खिताब में कहा कि मौजूदा हुक्मरानों का मुस्तकबिल नहीं, इन्होंने लंदन भागना है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए धांधली ज़दा वज़ीर आज़म को निकालना होगा, इसीलिए हम अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं। अभी शुरुआत है, मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है। आसिफ जरदारी सी पैक ना लाते तो मेट्रो बस ना चल सकती। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को इसका हक दिया। अवामी मार्च मुरीद के से रवाना, बिलावल भुट्टो ने जियालों से खिताब किया। हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म को डेडलाइन कहते हैं। अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफ़ा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद करेंगे। हुकूमत के सामने अदम एतमाद बड़ा इम्तिहान है, हुकूमत दबाव का शिकार है जो माजी में नहीं रही। तहरीक अदम एतमाद पेश करते वक्त नजर आएगा कौन न्यूट्रल है कौन नहीं। वज़ीर आज़म का बंदोबस्त होने तक चैन से नहीं बैठूंगा, नून लीग से लड़ाने की कोशिश ना करें, बिलावल भुट्टो का सहाफी को जवाब। नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी में वापसी पर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई, पीटीआई का चंद जियाला बन गया। वज़ीर आज़म के साबिक मौवने खुसूसी नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शामिल। नदीम अफजल चंद कहते हैं पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला गलत, फैमिली मजबूरी की वजह से पीपी छोड़ी, पीटीआई में गया तो पुराने वर्कर्स की बातें करता रहा, खान साहब को भी कहा था कि मैं आज भी भुट्टो हूं और रहूंगा। हमारी गिनती पूरी हो गई, कोशिश होगी अंपायर न्यूट्रल हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। 8 या 9 मार्च को स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पेश करेंगे, इमरान खान के खिलाफ भी तहरीकी अदम एतमाद आएगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा अवामी मार्च गेम चेंजर साबित हो रहा है। अशरीफ झूठ बोल के मिनते करके बाहर चला गया, ये 4 लोग मिलके अदम एतमाद कर रहे हैं। आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे, नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, तहरीक नाकाम होने पर आप तैयार हैं जो आपके साथ करूंगा। मेलसी में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म की सियासी मुखालफीन पर कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ झूठ बोलकर मिन्नतें करके मुल्क से गया। जनूबी पंजाब पर मजीद 500 अरब रुपये खर्च करने का ऐलान, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने का इंदिया भी दिया। कराची में साहिल पर फूलों की नुमाइश का आखिरी रोज, रंग बिरंगे फूल देखने के लिए छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।